जय माता दी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी व्रत में बनाए जाने वाली सब्जी। ये सेब की बनी हुई है। इसको आप पूरी के साथ भी खा सकते हैं, सामक के चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए 1 चम्मच देसी घी, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच व्रत का नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा जीरा, और 2 सेब चाहिए जिनके छिलके मैं उतार लूँगी अभी अच्छी तरह से। और अच्छी तरह से इनको काट के कद्दूकस कर लेंगे। और इनको मैंने अच्छी तरह से काट लिया है, अब हम इन्हें कद्दूकस कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और 2 मिनट में तैयार हो जाती है। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है, 1 स्पून घी का इसमें डाल दिया है। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, अब डालेंगे हल्दी और डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और डालेंगे अब हम सेब। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक हम इन्हें मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह से मिल जाए। उसके बाद हम 1/2 कटोरी इसमें पानी डालेंगे, छोटी कटोरी हाफ पानी डाल दो। ये देखिए, अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक ढक के पका लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, सब्जी को हम चेक कर रहे हैं अभी। अभी इसमें पानी है तो 1 मिनट के लिए हमें फिर से इसे ढकना होगा। ये देखिए, अब हमारी सब्जी अच्छे से तैयार हो चुकी है, पानी सूख चुका है और सब्जी भी सॉफ्ट बन चुकी है। अब इसमें मैं नारियल, जो कि मैंने मिक्सी में पीसा था, 1 स्पून के करीब है ये, इसमें मिक्स कर लिया। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ये व्रत में बहुत ही अच्छी लगती है और प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करें। इसको आप व्रत के चावल के साथ भी खा सकते हैं, सिंघाड़े की पूरी के साथ भी खा सकते हैं, जैसा आपका मन करे उस तरह आप इसे खा सकते हैं। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।